तो वहीं 4 नवंबर को हरिद्वार में गंगा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है, जिसका जायजा लेने के लिए नमामि गंगे स्वच्छता मिशन के महानिदेशक राजीव मित्तल हरिद्वार में डेरा डाले हुए। उन्होंने नमामि गंगे घाट पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। गंगा की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं डीजी राजीव मित्तल ने बताया कि गंगा उत्सव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और आर पाटिल सहित कई जानी मानी हस्ती प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाद में फाइनली जो कल्चरल प्रोग्राम है वो रहेगा, जिसमें जो उत्तराखंड के राज्य के जो इम्पोर्टेंट सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, बच्चे हैं, वो परफॉर्म करेंगे। अगर मोटो की बात करें, देखिए जो नदी उत्सव है, जब भी हम नदी उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, हमारे 4-5 मुख्य हेतु होते हैं। सबसे पहला हेतु होता है नदी के बारे में जागरूकता करना। आज क्या हो गया है कि नदी को हम लोग भूल गए हैं। हालांकि उत्तराखंड में लोगों को फिर भी गंगा दिखती है, साफ दिखती है, पर आप जैसे ही उत्तराखंड के नीचे जाएंगे तो नदी साफ ना होने की वजह से लोग नदी को भूल सा गए हैं। तो वो एक जो जुड़ाव है उसको लोगों को वो करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग है कि जो हमारे सारे के सारे जो यूथ हैं, उन लोगों में स्पेशली जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको नदी के पास ले जाके नदी का महत्व समझाना कि क्या क्या नदी का महत्व है, वो एक बड़ा हेतु है इसका। 4 नवंबर को गंगा महोत्सव का आयोजन होना है और हम इस समय जो नमामि गंगे घाट है वहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत गंगा उत्सव का आयोजन होना है, जहाँ पर कि केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री हैं आर पाटिल, वो यहाँ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री की भी पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम महोत्सव की बात करें तो इस महोत्सव में जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें विशेष तौर पर हम कहें कि जो फिल्म अभिनेता हैं आशुतोष राणा, उनका जो शिव स्तोत्र है उसका यहाँ पर होगा। और इसके अलावा जो राजीव खंडेलवाल हैं वो यहाँ पर अपनी गंगा यात्रा जो है वो तीसरी एक वेब सीरीज वो भी यहाँ पर लॉन्च होगी। कह सकते हैं कि तमाम तरह की जो गंगा से जुड़ी हुई धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू हैं उनको लेकर यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम बड़ा है, क्योंकि यही शायद यही वजह है कि नमामि गंगे के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, डीजी नमामि गंगे के, जो यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं और कार्यक्रम की सफलताओं को लेकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। तो पौड़ी में कूड़े की समस्या से शहरवासियों को निजात नहीं मिल पा रही है। शहर भर का कूड़ा पौड़ी श्रीनगर हाईवे के पास अस्थायी डंपिंग जोन में डाला जा रहा है और इसे जलाकर नष्ट भी किया जा रहा है, जिससे शहरवासी परेशान हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के जिस स्थान पर भूमि चिन्हित की, वहां भी ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्य लटक गया, जिससे अभी शहर में ही कूड़े को डंप किया जा रहा है। हालांकि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सबके लिए सब आया बयान है, हमारे लिए क्यों नहीं है? ये कूड़े यहाँ क्यों डाल रहे हो? मतलब घर से सुबह उठो तो धुआं, शाम को उठो तो धुआं, क्या करें हम, कहाँ जाएं? ये तो सरकार हमको कहीं मकान बना के दे दे, हम वहाँ चले जाएं, यहाँ कूड़ेदानी बना दे। सबसे ज्यादा समस्या मुझे दिखी है उसकी गार्बेज की, गार्बेज का डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है और जो इसका डंपिंग यार्ड है उसके लिए भी मैं काम करूंगा। फिलहाल अगर वो कुछ भी नहीं वहाँ पर हम नया कर पाए तो उसकी ड्रेसिंग लगातार होती रहे, इसके लिए प्रयास करूंगा कि सड़कों पर वो दिखाई न दे।